इस शरीर के अंदर प्रत्येक जीव के अंदर गोकुल भी है, जीवात्मा और परमात्मा भी है, एक ही वृक्ष की एक ही शाखा पर बैठे हैं। जुग जुग बीत गए किंतु मिलन नहीं हुआ। वहां पर जो परमात्मा है, कृष्ण है, वो गोकुल में है और हम लोग इस पार जमुना के इस पार हैं। दूरी गोकुल की और इस जगत की कितनी दूरी है, भगवान और जीवात्मा की फैसला कितनी दूरी है, मिला हुआ है, एक काल्पनिक रेखा है जिसको तटस्थ रेखा कहते हैं। उस पार में भगवान, इस पार में जीव, किंतु मिलन नहीं होता। बड़े आश्चर्य की बात, क्यों? उसके बीच में दोनों में एक बड़ी भारी नदी है। वो नदी है क्या? हमारा जितना जीवन में डिजायर है, सेंस ग्रेटिफिकेशन की जितनी भी डिजायरें हैं, सुख भोगने की लालसा है, सांसारिक विषयों को भोगने की जो लालसा है, हमने जो नकली बना लिया है, ये मेरे हैं, ये मेरा है, नकली बना लिया है। जैसे अजामिल ने अपने पिता को, अपनी धर्म पत्नी को, बच्चों को दूर रख करके एक वेश्या को अपना बना दिया, ऐसे ही हम लोग ने इस संसार में आकर नकली अपना सब बना लिया। असली यशोदा मैया को भूल गए, कृष्ण कन्हैया को भूल गए, श्रीदाम भैया को भूल गए, सब कुछ भूल गए, अभी तक भूले हुए। उसकी एक झांकी दर्शन करने से ये सब कुछ भूल जाएगा, किंतु ये जब तक ये गिरजा सुख नहीं जाती। गिरजा मैंने क्या? हमने जो संसार वासना हमारे अंदर में है, ये शरीर सुखी रहे, ये शरीर मैं हूँ, जब तक दूर नहीं हो जाता तब तक ये नहीं होगा। इसलिए गुरु का इतना महत्व है। गुरु इस विषय पर चलाता, बार बार सावधान करता है, इस संसार में झमेले में मत पड़ो, और फिर भी हम लोग पढ़ो, इसमें सुखी रहेंगे, किंतु आज तक का इतिहास बतलाता है कोई सुखी नहीं रहा। नचिकेता नाम का एक लड़का था, बहुत बुद्धिमान था, सत्संग करता था। उसके पिताजी बड़े कंजूस थे, उसके पिताजी करोड़ों गायों का दान करते थे, किंतु कौन सी गाय? जिसकी पूंछ में गोबर लगे हुए होते, जिसके स्तन में दूध नहीं होते, जिसके बछड़े नहीं होते, जो सुंदर नहीं होते दूध वाले, ऐसी गायों को खरीद करके और दान। नचिकेता ने कहा, पिताजी वहां में दान कर दीजिए। ये नहीं कहा कि आप बुरा कर्म कर रहे हैं, किंतु परोक्ष रूप में उन्होंने यही बताया, तुम ये जो गायों को दान कर रहे हो, इससे लाभ क्या होगा? जब दूध नहीं है, बछड़े नहीं है, इससे कुछ लाभ नहीं है, तो इसको दान करने से मुझे दान कर दो। क्यों? मैं तुम्हारा प्यारा हूं ना, इसलिए मुझे दान। तो 10 बार 20 बार कहने पर वो बिगड़ गया उसका पिताजी, तो वो क्रोध में बोल करके बोला है कि तुमको मैं जम को दान कर रहा हूँ, जाओ जम को दान कर दिया। तो वो घर से निकल पड़ा, तो उसका पिता रोने लगा, जी अब कहाँ जा रहा है? तो मैं जम के यहाँ जा रहा है। तो जम माने क्या होता है? मृत्यु के जो मालिक है ना, जब जम के यहाँ गया तो पहुंच गया, जिसकी यदि गंभीर इच्छा हो, प्रतिज्ञा हो, जो हमको ये करना है, इफ देयर इज विलिंग देयर इज वे, यदि चाह है तो उसके लिए राह है, चाह नहीं है राह नहीं है। तो जिसके लिए चाह है उसके लिए राह निकल जाती है, वो पहुंच ही गया। जम कहीं बाहर गए थे, 2-4 दिनों तक उसने प्रतीक्षा की। जब जम आए तो पहले बोली, जैसे तुम 3 रात तक हमारे पास में रहे, अब 3 कुछ तुम प्रार्थना हमसे कहो, वो पूरी कर देंगे, नहीं तो हम
अतिथि का अभ्यागत नहीं कर सके, इसलिए मैं ऋणी बन जाऊंगा। इसलिए तुम कोई तीन वरदान मांगो। उन्होंने कहा जी हमें वरदान की कोई जरूरत नहीं, हम जिस काम के लिए आए हैं वो काम पूरा होना चाहिए, हमको आत्मज्ञान की जरूरत है। भाई आत्मज्ञान तो बहुत बहुत बड़ी चीज है। तुम इस ब्रह्मांड का जितना राज्य है, समस्त पृथ्वी का ब्रह्मांड का, वो तुमको मैं दे देता हूँ। तुमको रूपवती गुणवती यदि भार्या की जरूरत है तो वो मैं तुमको दे रहा हूँ। तुमको स्वर्ग तक जो कोई भी इच्छा हो तो मैं तुमको दे सकता हूँ, जो हमारे अधिकार में है, तुम कुछ ले लो। उसने कहा कि नहीं, हमको इसकी जरूरत, हमको तो प्रभु से मिलना है, ऐसा हमको तत्व और उपदेश दीजिए जिसमें प्रभु से मिल सकूं। और भी उन्होंने लोभ दिया, मुक्ति तक देना स्वीकार किया, किंतु अपनी उस पर बात पर दृढ़ रहा। अंत में तब उनको बतलाया गया कि देखो संसारिक आसक्तियों को हटा करके प्रभु का बन जाओ, तुम उनको अपना बना लाओ, और किसी पहुंचे हुए गुरु जो हैं, सदगुरु हैं, जिनको भगवान की भक्ति प्राप्त है, उनसे दीक्षा लेकर के भगवत भक्ति का भगवान का नाम करो, श्रवण करो भगवान के गुणानुवादों का, नामों का, और उन्हीं का चिंतन करो, इसे जल्दी से उनको पा। अंत में ये सब दे करके समझ के ऐसे ही जिसकी ये दृढ़ निष्ठा है तब तो पहुंचेगा, और नहीं तो हरिनाम करने पर भी संसारिक, ये मेरा है, हमको एक पुत्र है, हमको 10 पुत्र हो जाएं, संसार का ये वैभव बढ़ जाए, हमारा जो कारोबार है ये जितना चल रहा है और से करोड़ों गुण बन जाए। अभी सुना जी अमेरिका का सबसे बड़ा धनी आदमी इंडिया में आया है और सब लोग हाथ पसार रहे हैं उसके सामने, मंत्री लोग भी पसार रहे हैं, हो सकता है कि वाजपेयी जी भी हाथ पसार दें उसके सामने, चीफ मिनिस्टर तो आ ही गए हैं उसके आगे। हाँ, चीफ मिनिस्टर लोग तो आ ही गए हैं। जो थोड़ी सी कृपा की दृष्टि कर दो, अपना कुछ बिजनेस यहाँ लगा दो और हमको भी माला माल बना दो अपने जैसे। ऐसे ही भक्ति राज्य में भी बहुत तरह की कामनाएं हैं, हरिनाम करने से ही नहीं होगा, जब कृष्ण सुनेंगे नहीं, लाख तुम करो, घर का फकीर बना देंगे, क्यों का रास्ते का फकीर बना देंगे पहले, और इसको जो सहलेगा तब उसको सर्वस्व दे देंगे। पांडवों को पहले मार्ग का फकीर बनाया ना, सर्वस्व ले लिया, द्रौपदी को भी नंगा करने की नौबत में ला दिया, तभी उनकी भक्ति अडिगी रही, तो फिर क्या किया, सारे विश्व का राज्य उनको दे दिया। इसलिए कीर्तन करने से नहीं होगा, केवल नाम करने से भी नहीं होगा, इन चीजों को हटा करके एक निष्ठा के साथ में, एक लगन के साथ में, मेरे तो गिरधर गोपाल उस स्थिति में, केवल गाने के लिए नहीं, गले के स्वर से खूब गा दिया और संसारी कामनाएं गजगज कर रही है भीतर में, उसे नहीं होगा। मीरा बनो तो मीरा बन जाओ, मेरे तो गिरधर गोपाल, और संसार की लोक लज्जा सब कुछ छोड़ दी, छोड़ दिया ना उसने, छोड़ दिया सब कुछ, वृंदावन में चली आई, जीव गोस्वामी से मिली, और तब राणा आकर उसके चरणों में गिरने लग गया, किंतु अब राणा से कोई संबंध नहीं, हमारा तो पति और हमारा सर्वस्व कौन है, तुम नहीं, जब तक मैं भूल में थी अज्ञान में थी तो ऐसा, तो इसलिए ऐसा यदि किया जाए तब तो भगवान का एकांतिक भक्त बन करके भगवान को सहज ही पालेगा, नहीं तो ये दूरी जो 2 अंगुल की है ये बढ़ती जाएगी, गोकुल में कभी भी प्रवेश नहीं है, दिन में आऊं कि रात में आऊं, दिन में आऊं तो क्या होगा, सब लोग देखेंगे, और रात में आऊं तो डगर कहीं भूल ना जाऊं, डर लगता है, सखियों के साथ में आऊं तो फिर शर्म आती है, और अकेले में भूल जाऊं, इसका गंभीर मतलब है। प्रत्येक संतों के कीर्तनों में, उपदेशों में बहुत गंभीर बातें हैं, गंभीरता से समझने पर वैराग्य आ जाता है, और नहीं समझने से बस
गले के स्वर में दूसरों को सुनाएंगे, अपना कुछ लाभ नहीं। नीचे एक सुनो, चलो अधिक अधिक नहीं, वो पहले संसार की वासनाओं को छोड़, इसको बहुत अभी बहुत है, इसको संसार वाले बहुत हैं। लो जल्दी 15 मिनट जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत कीर्तन करने वाले हैं अभी, वो भी पंक्ति में है। ठीक, राधिका चरण रेणु स्मरामि। राधिका जी के चरण की धूली की बार बार मैं स्मरण करता हूँ, उनको शीश पर चढ़ाने के लिए योग्य नहीं हूँ। जिस कृष्ण को दर्शन करने के लिए अपने चित्त की समाधि लगा करके निर्मल बना देते हैं और कृष्ण का चरण कमल की चिंता करते हैं, कृष्ण का चरण कमल का ध्यान भी नहीं आता, ध्यान में भी नहीं आता, और गोपियाँ क्या करती हैं, उन चरण कमलों को, इस चरण कमल के जो मूल हैं कृष्ण, उन पर रूठ जाती हैं, तो वो श्याम बार बार कोटि कोटि बार मनाते हैं, एक दो बार नहीं, सीता को राम ने दो दो बार प्रत्याग कर दिया। जो सुख दुख में सब समय में राम की सेवा करती थी और उनको घर से निकाल दिया, कसूर क्या था, था कुछ दोष, दोष तो था नहीं, क्यों निकाल दिया। किंतु हमारी स्वामिनी राधा जी को निकाल सकते हैं कृष्ण, बल्कि वो कहेंगी जी हमारे कुंज से निकल जा काला, तेरा भीतर और बाहर काला, और लाख बार मनाएंगे उनके चरणों में आकर के। यदि कहेंगे जी घर से निकल जा, तो कहे तेरे घर में रहती हूँ, रहती हैं उनके घर में, तू खिलाता पिलाता है, कभी दिया है कुछ खिलाया पिलाया हमको नहीं। इसलिए गोपियों के ऋण से ऋणी हैं, लाख बार मनाएंगे। देखो सीता जी को कितना कष्ट दिया ना, सारे जीवन के लिए उनको प्रत्याग कर दिया, अपने रो रहे हैं उनको भी रुला रहे हैं, और राधा जी को देखो मान करके ऐंठ जाती हैं, उनको मनाना बड़ा भारी मुश्किल पड़ जाता है, और कान पकड़ करके कहते हैं ये बंसी धरी और ये मुकुट तेरे चरणों में है, तू कृपा कर दे। उनसे प्रेम की भीख मांगने के लिए वेश बदल करके जाते हैं, तुम लोगों ने सुना होगा। ये राधा जी जैसी तैसी नहीं है, कृष्ण ही हैं। कृष्ण अपना प्रेम जगत में बतलाने के लिए, शिक्षा देने के लिए राधा और कृष्ण दो रूप में हुए हैं, उनकी वो ह्लादिनी शक्ति हैं, हमारी दृष्टि शक्ति रूप नहीं धारण कर सकती, हमें जो बल है उस रूप नहीं धारण कर सकती, हमारे अंदर बहुत सी चीज़ें हैं किंतु रूप नहीं धारण कर सकती। किंतु कृष्ण की इच्छा, कृष्ण की दृष्टि शक्ति, कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति सभी रूप धारण कर सकती हैं। इन सब शक्तियों का मूल उद्गम श्री राधा जी हैं। राधा जी को स्त्री मत समझो, ये स्त्री हैं। लोग कहते हैं कि राधा बड़ तपस्या की, अरे राधा जी तपस्या करेंगी कि कृष्ण कौन से बड़े भाग्यवान काम किए, बड़े धन्य हुए जो राधा जी की के पाने के लिए तपस्या की, कृष्ण ने तपस्या की, राधा जी ने नहीं तपस्या की, कहीं है द्वारका में जा रहे हैं वहां से तपस्या कर रहे हैं राधा जी को पाने के लिए। इसलिए राधा जी को स्त्री मत समझो। ये ब्रह्मा जी को ये पता नहीं है वह प्रेम क्या है, उद्धव जी तक को पता नहीं है, जो उद्धव भगवान के सबसे प्रेमी भक्त हैं उनको पता नहीं। इसलिए राधा जी को साधारण मत समझो, आराध्या वही हैं। तो अभी सुंदर कीर्तन किया है, बहुत सुंदर चल रहा है, अब इसका कीर्तन सुनिए। जरूरत है तो ये भी दे लो।
तोता, उसको घर वाले सिखाते हैं कृष्ण कृष्ण बोलो, राम राम बोलो, यहाँ तक कि वो इतना पूरा पाठ कर लेता है, चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत, इतना पूरा बोल जाता है, राधा कृष्ण करता है बड़े प्यार से। किंतु यदि उसका मालिक कहीं चला गया और बिल्ली आई और पिंजड़े के ऊपर में एक थाप लगाई तो वो क्या करेगा, चाँ 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 करने लगेगा। तो हम लोगों की अभी इस समय की स्थिति ऐसी ही है, समझ लो। बड़ी बिल्ली की तो बात क्या, थोड़ा सा दुख रूपी बिल्ली आ गई, बस चाँ चाँ करने लगते हैं, भगवान भूल जाते हैं। तो ये कैसे स्थिति आएगी जिसमें कि हम लोग स्थिर होकर के भगवान का स्मरण कर सकें। जैसे भीष्म पितामह जी बाणों पर सोकर और किस प्रकार से भगवत चिंतन किया था, और ऋषि महर्षि लोग जो बड़े बड़े हैं कैसे उनका स्मरण करते थे। इसलिए प्लेटफार्म होना चाहिए, उसके लिए ग्राउंड होना चाहिए, उसके लिए भूमिका होनी चाहिए। वो भूमिका से कैसे बनेगी, इसीलिए हमारे व्यास जी ने, सुखदेव गोस्वामी ने, सुत गोस्वामी ने इसके लिए तैयार करने के लिए भागवत में कुछ उपाख्यान बतलाए हैं। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष दो भाई थे। हिरण्य माने होता है सोना, और कश्यपु माने होता है भोग विलास का सामान, बिछौना। दिन रात वो ये समझते हैं कि अर्थ के द्वारा हम सुखी रह सकते हैं, इसलिए ब्रह्मांड का राज्य ही उन्होंने देवताओं से छीन लिया, ब्रह्मा जी को भी बौना बना दिया। हिरण्याक्ष वो बड़ा था, वो पृथ्वी का एक क्षत्र सबसे बड़ा वीर बनना चाहता था, किंतु बामन देव किन्ने बराह देव जी ने, बराह भगवान ने, उन्होंने उसे परास्त करके उसको मार डाला। जब वो मर गया तो उसकी लाश आई राजभवन में, और हिरण्यकश्यपु उसको सफ़ेद चादर से ढक दिया और आंगन में रख दिया। अब उसका संस्कार कराना है, सब लोग आ रहे हैं, और सभी लोग रोने लगे। उसकी मैया रोने लगी, उसके बेटे कितने थे वो रोने लगी, बहुएं रोने लगी, सब सारा समाज रोने लग गया। कोई भी उनको सांत्वना देने के लिए ही नहीं रहा, जो विश्व का सबसे बड़ा वीर बनना चाहता था, आज उसकी दशा। हिरण्यकश्यपु सब शास्त्र में पंडित तो था, किंतु मानता कुछ नहीं था, खुद नहीं मानता था, किंतु तत्व जानता था, वेदों का पंडित था। वो कह रहा है, सबको समझा रहा है, जे देखो रो मत, ये तो वीरगति इन्होंने लाभ की, मरना तो एक दिन है ही है, तो ये युद्ध में मरे हैं इसलिए इनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, रोने की कोई जरूरत नहीं। कोई सुन नहीं रहा। फिर कहा, अच्छा तुम लोग रो रहे हो तो रोने से क्या वो जीवित हो जाएगा, यदि रो तो संसार भर के हम आदमियों को बुला लेंगे, सब रोएंगे, आ जाएगा, जरूरत होगी ना तो बॉम्बे से रोने वालों को किराए में ले आएंगे, बॉम्बे वाले पैसा लेकर के रोना जानते हैं, ऐसे संस्कार में आते हैं। जितना रुपया दोगे, 10,000 रुपया दोगे तो 10,000 का रोना रोएंगे, 5,000 दोगे तो आधा रोना रोएंगे, कम दोगे तो और रोएंगे, और अधिक और दोगे तो और रोएंगे। रोने का उनका तरीका और स्टैंडर्ड वो अलग अलग है। तो बम्बई वाले लोगों को भी किराए पर बुला लिया जाए, लाखों रुपये दिए जाए, और वो हाई स्टैंडर्ड से भी यदि रोएं तो वो बच जाएगा, बच नहीं सकता। इसलिए रोते हो कि इसलिए मत रो। देखो प्राचीन काल की एक गाथा हम सुनाते हैं, उसको समझो।
एक राजा था, उसी नर राजा, वो पृथ्वी का हजारों में एक बलवान और अर्थवान और बहुत ही सुंदर गुणी योग्य शासक था। उसके बराबरी का और कोई नहीं था। वो चाहता था यदि इसको हमने हरा दिया तो मैं चक्रवर्ती राजा बन जाऊंगा। लोग कुछ कोई भी स्थिति से संतुष्ट नहीं रहते। आप लोगों को भी ऐसा ही कर दिया जाए तो आप लोग भी और भी अधिक बढ़ने की चेष्टा करेंगे, उसे संतुष्ट कोई नहीं हो जाता। भगवान के मिलने के अतिरिक्त और जितना जो कुछ सबको मिल जाए वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। यदि भगवान मिल जाए तो सारी आकांक्षाएं पूर्ण हो जाएगी, अन्यथा नहीं। तो वो बतला रहा है कि वो राजा मर गया, युद्ध में मारा गया, उसकी भी लाश लाई गई और उसको झीनी चादर ओढ़ा दी गई। कोई सभी लोग रो रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं रो रहे हैं, समझाने वाला भी कोई नहीं। उस समय मैं उनको समझाने के लिए स्वयं जमराज छोटा सा रूप धारण करके उसके घर में आए। लोगों से पूछा जी भाई किस लिए रो रहे हो, क्या बात हो गई, सभी लोग रो रहे हैं। बड़े बूढ़ों ने कहा जे तुम नहीं समझेगा, जाओ तुम खेलो, अभी छोटा सा बच्चा है, तुम नहीं समझते। जैसे घर में कोई मर जाए और सब लोग रो रहे हैं तो छोटे छोटे बच्चे चकित होकर के इधर उधर देखेंगे जी क्यों रो रहे हैं, वो नहीं समझते। तो समझा जी ऐसे ही नहीं समझते। उन्होंने कहा जी तुम जाओ खेलो कूदो, तुम नहीं समझोगे। तो उस बच्चे ने कहा जो मैं जो समझ रहा हूँ आप लोग नहीं समझ रहे हैं, बड़े बूढ़े हो करके मैं तो समझ रहा हूँ, आप ही लोग नहीं समझ रहे। हमको ये बतला दो ये किस लिए रो रहे हैं, बस मैं सुनना चाहता हूँ। तो किसी ने कह दिया बुजुर्गों ने ये मर गए। मर गए तो क्या बात हो गई, दिल्ली गए, अजमेर गए, बॉम्बे गए, मथुरा गए, फिर तो आ जाएंगे। तो ये जब गए हैं, मर गए हैं, मर नामक का कोई स्थान है वहाँ पर गए हैं तो आ जाएंगे। अरे भाई वो बात नहीं है, ये जहाँ गए हैं वहाँ से लौटना नहीं है, तो हमको मूर्ख क्यों बना रहे हो। जिसको तुम लोगों ने जन्म दिया, मैया ने जन्म दिया, जिन्होंने मैया की गोदी में खेला, सखाओं के साथ में खेले, स्कूल में गए, फिर जिनकी शादी हुई, जिनसे तुम पैदा हुए, वो तो यहाँ सो रहा है, उसे बात क्यों नहीं करता, वो कहाँ गए हैं। ओ यही तो कह रहा था नहीं समझ रहे, तो यही तो मैं समझ रहा हूँ और तुम लोग नहीं समझते। गए कहाँ हैं, जिसको तुमने इनको माना जी हमारे पति हैं, भाई हैं, बंधु हैं, सखा हैं, मित्र हैं, पति हैं, ये तो यहाँ सो रहे हैं, इसका अतिरिक्त और कुछ देखा नहीं। नहीं ऐसी बात नहीं, वो मर गए हैं, अब ये फिर लौटेंगे नहीं। अच्छा लौटेंगे नहीं तो ये गए हैं, शरीर नहीं गया ये, तो क्या शरीर में आज जो चले गए उसमें कोई अंतर है, कोई अंतर देखती है या देखते हैं आप लोग। जो चला गया ये जो शरीर जो पड़ा हुआ, जिसको पति कह रहे हैं, बेटे कह रहे हैं, पुत्र कह रहे हैं, नाती कह रहे हैं, पितामह कह रहे हैं, स्त्री कह रहे हैं, वो जो है इसके अतिरिक्त और कुछ को तुमने अनुभव किया सारा जीवन में, जो चला गया उसके लिए कभी किया। वो काला था कि गोरा था, पूछा बच्चे ने, तो ये तो मुझे मैंने नहीं देखा। कितना लंबा था, ये भी तो हमने नहीं देखा, कभी जीवन में देखा तो नहीं, देखा तो नहीं, तो फिर उसके लिए रोने की क्या जरूरत है। यदि कोई चला गया तो उसके लिए हम क्यों रोते हैं, देखा है कभी, उसे कोई परिचय हुआ, नाता हुआ, संबंध है, तो रोना किस लिए, रोने की जरूरत नहीं। अंत में बोला देखो यह मोह है, जीवात्मा में और शरीर में अंतर है।
या पैखाना, टट्टी, पेशाब, गंदी चीजों का ये घर है। इसमें किसी प्रकार से आत्मा है, परमात्मा भी है। यदि इस शरीर में रह करके उस आत्मा और परमात्मा का कुछ संबंध मालूम हो गया, साधन भजन करके उनको रियलाइज कर लिया है, तो जीवन ये सार्थक है। वही हमारा पति है, वही हमारा भाई है, बंधु है, सखा है। एक श्लोक है ना, तमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव, ये साधारण संबंध है, ये साधारण संबंध है। राधा जी कहेंगी कि तुम हमारे पति हो, भाई हो, पुत्र हो, सखा हो, ये कहेंगी? वो नहीं कहेंगी। किंतु हम लोग अभी साधन की स्थिति में इतना भी मान लें जी हमारे सखा, मित्र, भाई, बंधु, पिता, माता, आप ही सखा, तो भी एक चलेगा, वो साधन के पत्नी, उसको तो निराकार मानते हैं। अभी कोई निर्गुण वाला आ जाएगा, निरंकारी, तो आप लोग उसी के हाँ में हाँ बस मिला देंगे, उसी के स्वर में मिला देंगे। इसलिए प्लेटफॉर्म तैयार होना चाहिए। इसके अंदर में है किंतु शरीर नहीं है, जो कान से सुनता है किंतु कान नहीं है, आँख से देखता है किंतु आँख नहीं है, आँख के माध्यम से जो देखता है, जो अनुभव करता है किंतु मन नहीं है, वो है आत्मा। और ऐसी कोटि कोटि आत्माओं को, अगणित आत्माओं का जो कंट्रोलर है वो है परमात्मा। ऐसे ऐसे करोड़ों परमात्मा के जो मूल हैं वो हैं कर्णाब्धिशायी विष्णु। ऐसे लोगों के भी जो मूल हैं वो है शंकरसन, उसके भी मूल बलदेव, उसके भी मूल हैं ये कृष्ण। और उनकी भी आत्मा कौन है? राधा जी हैं। ऐसा समझो, सहज नहीं है। अभी सुख पक्षी जैसा चा चा करने लगे, थोड़ी सी विपत्ति आ जाने पर मैया रे दैया रे, भजन इतना सहज नहीं है। सद्गुरु का पराश्रय करके इसको समझेंगे। तो वो बतला रहा हिरण्यकश्यपु वही प्रसंग में, देखो एक कबूतर एक कबूतरी थी, दोनों अपने बच्चों के लिए कुछ दाना चुगने के लिए कहीं गए। बीच जंगल में पहुंचे, देखा एक नदी के किनारे पर हरी भरी घासें हैं और उस पर सुंदर सुंदर चावल के कण बिखरे हुए हैं, माने मोती के कण हो। कबूतरी ने कहा, जे प्रियतम, बहुत सुंदर ये कण चमक रहे हैं चावल के, हम लोग इसको चूंग लें और बच्चों के लिए भी ले जाएंगे, हम अपने भी खा लेंगे। कबूतर ने कहा, जे मत जाओ, अरे इस जंगल में कहाँ से चावल के टुकड़े आए, यहाँ कोई घर गृहस्थी है, कोई बनिए का घर है या कोई गृहस्थ है यहाँ, इसमें जरूर जाल है, मत जाओ। कहिए पुरुषों को सब समय ऐसे ही जाल और षड्यंत्र दिख पड़ते हैं, मैं तो चली, तुम यहीं पर रहो। वो रह गया, वो फुर रबड़ी और जा करके चुनने लगी, चुनने में व्यस्त हो गई और उसको इशारे से भी बुला रही, आप भी आ जाओ, और वहीं से देख रहा है। इतने में बहेलिया जो जाल लगा करके बैठे था पेड़ के नीचे, काला मुस्टंड, उसने रस्सी खींच दी और उसी में आबद्ध हो गई। अब तो कर्र कर्र करने लगी, रोने लगी फूट फूट करके, वो भी शोक में विवल हो करके उतर करके जाल के ऊपर से और वो जाल के भीतर से दोनों चोंच मिलाकर और रोने लगे। वो रो रही है, देखो तुम्हारी बात नहीं माना इसलिए इसके जाल में पड़ गई, और वो रह रहा है कि तुम हमारी बात नहीं मानी, तुम बच जाती तो बच्चों को पालन कर सकती थी, माताएं कर सकती हैं, पति नहीं पालन कर सकता छोटे छोटे बच्चों को, इसलिए हमको काल ने क्यों नहीं बुलाया जो तुमको बुलाया, अब बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा, मैं जा कर के ही क्या करूँगा। और वो ऐसे शोक में विह्वल हो गया, रोने लग गया, उसको होश नहीं रहा, और बहलिए ये सब देख रहा था, उसने बाण उठाया, क्रूर हंसी ठहाके की हंसी हंसी, और उसने बाण उठाया और ऐसे मारा कि उसके छाती में लगा और वहाँ से भीतर चला गया, रक्त गिरने लगा और वो गिर गया, लुढ़क गया। अब बतलाओ जाल के अंदर में है, वो मरी नहीं अभी, ये सब देखने के लिए जीवित है। यदि किसी की ऐसी स्थिति हो तो बतलाओ तो क्या होगी,
अब तो वो रोने लगी, इतने में वो क्रूर बहेलिया आकर उसको तो लिया ही जो मर गया उसको, और उसको भी उसमें बांध कर दोनों को की पैर को बांध कर और यहाँ झुला करके चला गया और जीवित ही उनको भून करके खा गया। हिरण्यकश्यपु कहता है ऐसे ही हम जानते हैं कि ये तो मरा, हमारे पति मरे, भाई मरे, पिता मरे, पितामह मरे, मरना एक दिन जरूर है, ये विधि का नियम है, उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता। आज प्रौढ़ावस्था ही, कल बुढ़ापा आएगा, तीसरे दिन में फिर मरना पड़ेगा। याद रखो यह प्लेटफार्म है, ये हम रिफ्यूजी यहाँ पर आए हुए हैं, ये समझो। जगत में कोई भी सुखी नहीं है और ऐसे ही कोई न कोई मरेगा ही। इसलिए कहता है कि देखो वो तो मरा, तुम अपने तो समझो, तुमको भी कल वही होगा। आज वो गया, कल तुम्हारी बारी होगी। आज पिता गए, पितामह गए, पिता गए, भाई गया, हम जाएंगे, पत्नी भी जाएगी, बच्चे भी जाएंगे जो जन्म है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु मृतस्य च, जो जन्म लिया है मरना है। आज जो मर गया है क्या है, फिर जन्म होगा, और फिर जन्म होगा, फिर यदि भगवान का भजन नहीं किया इस संसार में वैसे ही मरे, चिंतान में लगे रहो। इसलिए बुद्धिमान पुरुष क्या करते हैं, जो जहाँ जिस स्थिति में है उसी स्थिति में अनाशक्त होकर के अपना कर्तव्य कर्म करते हुए प्रभु को सदा स्मरण करें। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सखम, प्रभु को याद करो, प्रभु ही हमारे सर्वस्व हैं, वही हमारे प्रियतम हैं, बिलभेड हैं, वही पिता है, वही सर्वस्व हैं। और गुरु जो संबंध दे देता है उस संबंध के साथ में भजन करके जीवन का ये करना ही जगत का मूल कर्तव्य है। इस चीज को आप लोग समझिए और अभी से जगत के जो अनाचार हैं, प्याज लहसुन मांस मछली अंडे गोश्त सफ़ेद आलू आजकल बाजार में बहुत मिलता है, सफ़ेद आलू देखा है, सफ़ेद, अरे अंडे मत खाओ, नहीं तो हम लोगों के भी अंडे दूसरे खाएंगे इस जन्म में ही दूसरे जन्म में, जो कुछ करते हैं उसकी प्रतिक्रिया होगी। मांस माने क्या होता है, मांस खादति, हमें जो आज खा रहे हैं हमें कल उसको वो खाएंगे। मीट मैंने भी यही होता है, मीट meat, जिसको खाया वो तुमको खाएगा, रिएक्शन जरूर होगा, यह समझ रखो। प्याज लहसुन में 21 प्रकार के विष हैं, स्लो पॉइजन्स हैं, इसको समझो। हमारे ऋषियों महर्षियों ने करोड़ों वर्ष पहले ही इस चीज़ का अनुसंधान किया, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सात्विक चीज़ है, क्या निर्गुण है, क्या तामसिक है, इसका विवेचन करके ये शास्त्रों में लिपिबद्ध किया है। लोगों की समझ में नहीं आता है, दुनिया न जाने कहाँ जा रही है, ध्वंस के कारागार पर। आप लोग बुद्धिमान हैं, भगवान का भजन कीजिए और सुखी रहिए। गौर प्रेमानंदे चल दो जल्दी दे दो भाई।